सो हाय गाइस, हेलो एवरीवन। कुछ दो एक दो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ हमारे फाउंडिंग मेंबर हैं उनके क्वेश्चन थे, मैं थोड़ा क्लियर करूंगा और थोड़ा सा आपको भी एक रिमाइंड आ जाएगा माइंड में कि यार शायद आप ये भूल गए हो, तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर सवाल ये था कि हमारा ओ वेरीफाई देखिए कब आएगा क्या आएगा, इसकी कोई डेट नहीं है, लेकिन वो भी जो हमारा प्रोडक्ट है वो लाइनअप है, इस बात को हम सभी जानते हैं। तो सवाल ये था कि ओ वेरीफाई आने के बाद क्या हमारा डेबिट कार्ड वगैरह जो आएंगे खासकर इंडिया के लिए वो आएंगे, और अगर डेबिट कार्ड होंगे तो कैसे होंगे, किस प्रकार से होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि ओ वेरीफाई पहले आएगा या डेबिट कार्ड। तो देखिए सीधी सी बात यहाँ पर यह है कि ये तो अपकमिंग अपडेट पे डिपेंड करेगा कि ओ वेरीफाई पहले आता है डेबिट कार्ड, लेकिन अगर आप सही चीज़ों को समझेंगे अपने तरीके से तो देखिए ओ वेरीफाई आना पहले जो है वो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ओ वेरीफाई आने के बाद ही आपके सारे वेरिफिकेशन होने हैं, इसमें हमारे जो कमीशन्स वगैरह आने और जो चीज़ें होंगी उसके लिए ओ वेरीफाई होगा, और ओ वेरीफाई जो है पहले आएगा और ओ वेरीफाई आने के बाद में ही ये सारी चीज़ें होंगी। उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा वो है डेबिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड को लेकर भी क्वेश्चन यही है कि चलिए ओ वेरीफाई अगर पहले आ गया, वेरिफिकेशन भी हो गया, तो डेबिट कार्ड आते हैं इंडिया के लिए, क्योंकि ऑलरेडी जो है फरवरी मंथ 2024 में हमारे रेडी हो गए थे डेबिट कार्ड, ये सर बहुत पहले ही बता चुके हैं। तो अभी सही टाइम और जब भी उसकी डेट होगी तो हमें देखने को मिल जाएगा। तो सवाल ये था कि यहाँ पर हमारे जो डेबिट कार्ड होंगे इसके जो फिजिकल डेबिट कार्ड आएंगे, वर्चुअल डेबिट कार्ड कैसा होगा, अगर यहाँ पे फिजिकल डेबिट कार्ड भी होंगे तो हमें कैसे मिलेंगे। देखिए सीधी सी बात है, पहले तो जो भी आने वो वर्चुअल कार्ड ही आने वाले हैं, वर्चुअल कार्ड जो है ये फिजिकल कार्ड की तरह नहीं होंगे। सिंपली इसका जिक्र मैंने कुछ वीडियो पहले भी किया था कि वर्चुअल कार्ड जो होंगे इसको आप देख सकते हैं ऑनलाइन में, आप जो है हमारे OES में जहाँ कहीं भी ये दिखाई देंगे उसका यूज़ आप कहीं भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह के लिए जो है वो कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होंगे हम सभी के लिए, लेकिन ये जो है इसके बाद में फिजिकल डेबिट कार्ड की अगर बात करते हैं तो इसमें जरूर ये बात तय है कि टाइम भी लग सकता है या जब भी वो आएंगे तो, लेकिन वर्चुअल डेबिट कार्ड के बाद ही वो हमारे फिजिकल डेबिट कार्ड आने वाले हैं। अब इसमें कंडीशंस क्या होंगी, देखिए अगर यहां पर जो है डेबिट कार्ड आते हैं, अगर हमारे फिजिकल डेबिट कार्ड आते हैं तो बिल्कुल इसमें आपको जो है इसका कुछ पैसा देना पड़ सकता है। नॉर्मली आप जैसा ATM कार्ड वगैरह के लिए पैसा देते हैं और वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है, ठीक है, उसी तरह से हमारे डेबिट कार्ड भी जो वाले होंगे तो आपको अगर लगता है कि भाई मुझे बुलाना चाहिए डेबिट कार्ड तो बिल्कुल वो आप उसका जो है कुछ पेमेंट देके और उसे बुला सकते हैं, ठीक है। तो ये बात की प्रोसेस है, जब भी आएगा जस्ट मैं आपको एक किसी बंदे के क्वेश्चन है हमारे दो चार लोगों के तो वो मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो ये आप उसमें पैसा देके फिर ये बुला सकते हैं और इसको आप एज ए ATM भी फ्यूचर में यूज़ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पहले तो हमारे वर्चुअल डेबिट कार्ड आने, उसके बाद में हमारे फिजिकल डेबिट कार्ड आएंगे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। अब ये एड्रेस पे आपके आएंगे कैसे आएंगे ये भी एक क्वेश्चन था। आप सीधी सी बात है, आपका अगर वेरिफिकेशन होगा मतलब वो वेरीफाई होता है उसके थ्रू आपकी जो आपकी गवर्नमेंट आईडी या जो भी आपने डाला होगा उसमें जो भी एड्रेस होगा उस एड्रेस पे आपको 100% ये जो है फ्यूचर में मिलने वाले हैं। नॉर्मली जो आपके जैसे पोस्ट वगैरह से आते हैं इसी टाइप से ये भी आने वाले हैं। तो अभी इसकी कोई डेट वगैरह टाइम वगैरह नहीं है, जस्ट हमारे कुछ लोगों के क्वेश्चन थे वो मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर रहा था। तो आपके डेबिट कार्ड अगेन बोलूँगा कि फरवरी मंथ में ही इंडिया के लिए तो रेडी है ही है, अब वो उसमें वर्चुअल या डेबिट जो भी होंगे वो कंपनी अपने हिसाब से आपको देगी। तो बिल्कुल ये हमारा जो इस सिस्टम का पार्ट है, ऑनपैसिव के सिस्टम का पार्ट है, ये भी हमारी एक प्रोसेस है, चाहे वो ओ वेरीफाई हो चाहे वो डेबिट कार्ड हो। तो भैया वो भी हमारे पाइपलाइन वाले प्रोडक्ट हैं, बट इसमें जो है उसके पहले कुछ जैसे पेंडिंग विड्रॉल्स या हमारे कमीशंस वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर एक्सटेंशन भी शामिल है, तो वो अपकमिंग अपडेट के ऊपर जो है वो डिपेंड करेगा। तो देखते रहिए ऑन पैसिव के साथ में जो है लगातार बने रहिए। बाय बाय गाइस, आई लव यू ऑल।